गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स वेलकम टू टू डेज़ लेक्चर ऑफ वैक्यूम ट्रे ट्रेडायर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि वैक्यूम ट्रे डायर क्या होता है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से, से शेयर कीजिए फ्रेंड्स मेरे चैनल का ये जो मेरा पी है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूंगा सो so, जिसको भी अनलोड करना हो वो वहाँ पर जाके इसे अनलोड कर सकता है सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विथ टू डेज लेक्चर सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्यूम ड्रायर के बेसिक्स की सो फ्रेंड्स वैक्यूम ड्रायर में बेसिकली वैक्यूम का यूज़ किया जाता है टू पंप एयर एंड ह्यूमिडिटी आउट फ्रॉम द क्लोज हीट चैम्बर ड्यू टू वैक्यूम मेकिंग द चम्बर ऑन द वैक्यूम स्टेट दस इंक्रीज ड्राइंग रेट एंड ग्रेटली सेफिंग एनर्जी फ्रेंड्स वैक्यूम के ड्रायर्स केस में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपका हॉट एयर की हेल्प से जो भी हमारा वेट मटेरियल है उसको बेसिकली हम ड्राई आउट करते हैं और वैक्यूम की वजह से बेसिकली आपका जो भी मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज़ हो जाता है जिससे हमारी एनर्जी सेविंग होती है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल टू बी ब्रॉड डाउन फॉर ड्राइंग द एंटायर सिस्टम इज़ इन क्लोज लूप ये पूरा का पूरा जो मेरा सिस्टम है ये बेसिकली मेरा एक क्लोज लूप में होता है ताकि किसी भी तरीके का कोई कंटेमिनेसन ना हो पाए ये ज़्यादा अच्छे से आपको मेरी नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा बिकॉज वहाँ पे मैं आपको डायग्राम के साथ में इसकी वर्किंग बताऊंगा द इवेपोरेशन इवाल्व ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस इज कूल डाउन जो भी मटेरियल यहाँ से इवेपोरेट होता है ड्राइंग प्रोसेस से उसको बेसिकली कूल डाउन किया जाता है थ्रू द कनेक्टेड कंडेंसर्स और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है इन अ रिसीवर जो वैक्यूम सेल्फ ड्रायर है वेन कंबाइंड विथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम एनश्योर्स दैट ऑल ऑफ द वेपर्स इज रिक्वर्ड फ्रेंड्स वैक्यूम डायर के साथ में जब हम कंडेंसर्स को भी लगा देते हैं तो बेसिकली हम ये एनश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल मेरा सॉल्वेंट यहाँ से रिकवर हो रहा है वो पूरा जो भी यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा मैं रिकवरी कर रहा हूँ और किसी भी तरीके से ना तो इन्वामेंट में कोई कंटेमिनेसन हो रहा है और ना ही मेरा किसी भी तरीके का मटेरियल लॉस हो रहा है नाउ फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं वैक्यूम डायर्स के वर्किंग की सो फ्रेंड्स अ ट्रेड आयर इज एन एन्क्लोज इंसुलेटेड चैम्बर इन विच ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ इच अदर यह देखिए फ्रेंड्स इसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक ट्रेज लगी रहती है जो भी वेट सॉलिड है इज लोडेड इन टू द ट्रेड जो भी वेट सॉलिड है वो इन ट्रेज में अनलोड कर दिया जाता है ट्रेज आर प्लेस्ड इन द चैंबर आफ्टर दैट जो भी मेरी ट्रेज है उनको चैम्बर में रख दिया जाता है फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रो इट विच पासिस थ्रो द हीटर्स एंड डेट हीटेड अप इसमें फ्रेंड्स जो भी मेरी फ्रेश एयर है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जो हीटर के थ्रू पास करती है और गर्म हो जाती है टर्बुलेंट फ्लो लोअर्स द पार्शियल वेपर प्रेशर इन द एटमोसफियर एंड ऑल्सो रिड्यूसेज द थिकनेस ऑफ द एयर बाउंड्री लेयर जो भी वाटर है दैट इज पिक्ड अप बाई द एयर फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी वाटर या फिर जो भी सॉल्वेंट कंटेंट्स होता है होते हैं दैट इज पिक्ड अप बाई द एयर एज द वाटर और सॉल्वेंट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस द वॉटर डिफ्यूजेज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड बाई द कैपिलरी एक्शन जो भी फ्रेंड्स इसमें बेसिकली आपका वाटर या सॉल्वेंट रहता है वो बेसिकली आपका ये जो भी एयर इसके थ्रू हम हॉट एयर पास करते हैं ये उसके साथ में ये मूव होके बाहर की तरफ निकल जाती है दीज इवेंट्स ऑकर इन अ सिंगल पास ये सारे के सारे इवेंट्स एक सिंगल पास में होते हैं द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इज शॉर्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पिकड इन सिंगल इन अ सिंगल पास इज स्मॉल ये जो पूरा का पूरा इवेंट होता है ये एक सिंगल पास में होता है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा वैक्यूम ट्री डायर की वर्किंग काफ़ी इजी है इसमें बेसिकली आपकी ट्रेस रहती हैं जिन ट्रेस के ऊपर आप वेट मटेरियल प्लेस करते हो बाहर आप फ्रेश एयर का आपका ब्लोअर्स लगे रहते हैं जो हीटर से कनेक्टेड रहते हैं तो आप फ्रेश एयर को हीट करते हुए इसके थ्रू पास करते हो जब फ्रेश एयर आपके मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आती है तो फ्रेंड्स वो क्या करेगी आपके मटेरियल में जो भी सॉल्वेंट या फिर जो भी पानी का कंटेंट है वो उसको अपने साथ में लेके बेसिकली बाहर की तरफ मूव करेगी फ्रेंड्स यहाँ पे वैक्यूम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वैक्यूम लगाने की वजह से मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट मेरा डिक्रीज़ करता है और फ्रेंड्स जो भी मटेरियल बेसिकली मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ वो मटेरियल मैं कंडेंसर्स में आपका कंडेंस करा लेता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो भी सॉल्वेंट है उसके लॉसेज भी बच जाते हैं द डिस्चार्ज एयर इज एट्टी टू नाइन्टी परसेंट इज सर्कुलेटेड बैक थ्रो द फैस जो भी डिस्चार्ज ईयर है उसमें एटी टू नाइन्टी परसेंट दोबारा सर्कुलेट कर दी जाती है ओनली टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ फ्रेश ईयर इज इंट्रोड्यूस्ड मोस्ट ईयर इज डिस्चार्ज थ्रो द आउटलेट दस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म एयर फ्लो कैन बी मेंटेन फॉर अचीविंग द यूनिफार्म ड्राइंग इन केस ऑफ वेट ग्रेन्यूल्स एज इन द टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स ड्राइंग इज कॉन्टिन्यूड अगर आपको लगता है कि आपका जो मटेरियल है फैंस वो ड्राई है नहीं हुआ है तो आपको ड्राइंग कंटिन्यू करना है किल डिजाइड मॉइस्चर आपको नहीं मिलता है एट द एंड ऑफ द ड्राइंग जो भी आपकी ट्रेज हैं दे आर बींग पुल्ड आउट ऑफ द चैम्बर एंड टेक एन टू द डंपिंग स्टेशन फ्रेंड्स ये देखिए ये इस तरीका का बेसिकली डिज़ाइन रहता है यहाँ पर आप, आप इजिली देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर आपकी ट्रेज लगी हुई हैं ये पूरा का ये चैम्बर का गेट है आप पूरे के पूरे चैम्बर को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्रेंड्स आपका एक वैक्यूम से कनेक्टेड रहता है जिसकी वजह से बाहर आप तो एक तो एयर ब्लोअर्स के थ्रू तो हॉट एयर ब्लो करती रहती है उस हॉट एयर को बेसिकली ये वैक्यूम की हेल्प से बाहर की तरफ शक किया जाता है जो आपका एक कंडेंसर से कनेक्ट रहता है जहाँ पे आप जो भी आपका मटेरियल है या फिर जो भी यहाँ से हीटअप सॉल्वेंट्स हो रहे हैं आप उसको कंडेंस आउट कर सकते हैं और आप उसको बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सो so, फ्रेंड्स ये होता है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली अप्लीकेशंस की सो so फ्रेंड्स अगर हम अप्लीकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग ऑफ हाई ग्रेड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सो फ्रेंड्स इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर हाई ग्रेड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए इट इज़ हाईली सूटेबल फॉर ड्राइंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो आपके पानी पकड़ सकते हैं उनको ड्राई करने के लिए विच आर ड्राइड टू वेरी लो रेसिडुअल मॉइस्चर कंटेंट लेवल्स पॉसिबिलिटी फॉर ड्राइंग लंपी प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ लो पम्पोसिटी सो so फ्रेंड्स अगर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लम्ब्स फॉर करने के चांसेस रहते हैं तो बेसिकली उनके भी लिए हम इसको प्रेफर करते हैं वैक्यूम ट्रे ड्रायर्स को नाउ फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रे ड्रायर्स सो फ्रेंड्स इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट एंड हीट सेंसिटिव सेकंड ड्राइंग ऑफ मटेरियल इन द कंटेनर्स थर्ड वन लो ड्राइंग टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड ड्रायर्स आर एवलेबल फास्ट ड्राइंग ड्यू टू लार्ज सर्फेस एरिया इसके केस में मेरे को लार्ज सर्फेस एरिया मिलती है कंपेरेटिवली ड्राइज लार्ज मॉइस्चर दैन नॉर्मल ड्रायर्स गिफ्ट हाई क्वालिटी ड्राइड मटेरियल स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन एस एस तीन सौ सोलह तीन सौ सोलह एल तीन सौ चार सब में अवेलेबल है डेडिकेटेड सर्कुलेटिंग एंड फ्लूड हीटिंग सिस्टम्स आर इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी मिलती है फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छी मिलती है मेरे को सिक्सटी परसेंट से एट्टी परसेंट तक दीज आर थर्मल एफिशिएंट यूनिफॉर्म हीटिंग फ्लो इसके केस में मेरे को जो हीटिंग है उसका यूनिफॉर्म फ्लो मिलता है एंड ब्रांडेड इमर्जेंट हीटर्स इसके केस में बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ नाउ फ्रेंड्स अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस में बेसिकली आता है कि यहाँ पे मैनुअल चार्जिंग और अनलोडिंग आपकी होती है सो फ्रेंड्स जहाँ पे भी आप मटेरियल मैनुअली चार्ज कर रहे हैं और अनलोड कर रहे हैं वो प्रोसेस आपके थोड़े अनसेफ हो जाते हैं तो फ्रेंड्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज कई बार ऐसा रहता है कि आपके मटेरियल के अंदर बेसिकली सॉल्वेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर और कुछ मीन्स हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से अनलोडिंग या फिर लोडिंग करते टाइम सेफ़्टी हेज़र्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि हमें इस तरीके के जो भी इशूज़ हैं उनको बेसिकली हमें काफ़ी सेफ्टी के साथ में करना है सो फ्रेंड्स रिलेटेड कुछ बेसिकली डिसएडवांटेजेस होते हैं सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर कल के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि जॉकी पंप क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे